हेलो वन वेलकम बैक अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट ये दोनों क्वेश्चंस इस वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है प्रॉपर्टी फॉर डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी फ्रॉम जीरो टू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी फ्रॉम जीरो टू ए तो देखिए ये इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है यहाँ पर सो क्वेश्चन सेवन है हमें इंटीग्रेट करना है लॉग ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन डी जीरो हमने नाम दे दिया है एज आई सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वन बायस माइनस वन डीएक्स फ्रॉम जीरो टू ए यहां पर सबसे पहले हमने इसे इक्वलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को यहां पर So we have i is equal to integration from 0 to 1 log of 1 minus x upon x dx. And we name this as equation number 1. Next, we have applied the property integration of f of x dx from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a. In this function, mein, हमें x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से बट यहां पर a की वैल्यू है वन सो बेसिकली वी रिप्लेस ऑल द x टर्म्स बाय वन माइनस एक्स तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर में x है तो इधर आ जाएगा वन माइनस एक्स देखिए ब्रैकेट आ गया डिनोमिनेटर में भी यहां पर x है तो इधर आ जाएगा वन माइनस एक्स तो वी गेट तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन लॉग ऑफ वन माइनस यहाँ आ गया वन माइनस एक्स अपॉन नीचे भी वन माइनस एक्स डी ओपन दिस ब्रैकेट ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं देखिए हो तो कैंसिल हो जाता है एंड माइनस ऑफ माइनस एक्स विकम्स एक्स तो न्यूमरेटर में एक्स आ गया एंड डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स आगे लॉग टर्म इंटीग्रेशन डी एक्स ये सब वैसे ही रहेगा से दिस इज इक्वेशन नंबर टू टू इक्वेशन दोनों को हम एड करते हैं हम एक ही बार लिख लेते हैं कॉमन जीरो टू वन और दोनों इंटीग्रल्स को एड करते हैं लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स नाव यू यूज द लॉ ऑफ लॉग

वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो यहां पर हम प्रॉपर्टी के हेल्प से इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे देखिए एंड अगेन वही प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें ये वाली जीरो टू ए फॉर्म देखिए दिस इज फॉर्म जीरो टू ए राइट सो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स रेस टू फाइव डी एक्स फ्रॉम जीरो टू वन लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन वन अब यहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रल की जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे राइट ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे सो बेसिकली टू रिप्लेस एक्स बाय ए माइनस एक्स तो एक्स को हम रिप्लेस करेंगे ए माइनस एक्स से अब ए यहां पर है वन एक्स विल बी रिप्लेस माइनस एक्स तो ये जो एक्स टर्म है यहां पर आ गया वन माइनस एक्स फिर यहाँ पे वन माइनस ये वाला जो एक्स टर्म है इसे हटाकर हम लिखेंगे वन माइनस एक्स द होल थिंग रेज टू फाइव डी एक्स लिमिट्स वही रहेंगे जीरो टू वन ई ये ये so करना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन right? ये एक्स रेस टू फाइव इंटू वन दैट इज एक्स रेस टू फाइव राइट एंड एक्स रेस टू फाइव इंटू एक्स दैट इज एक्स रेस टू सिक्स तो बेसिकली हमें इसे एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ए माइनस बी रेस टू फाइव विदाउट एक्सपेंशन ओनली हमें इंटीग्रेल की वैल्यू मिल जाती है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओके प्रॉपर्टी तब यूज करना है, when things become easier. Property करके, अगर है तो प्रॉपर्टी यूज ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान हो गया राइट right? ये हो गया एक्स रेस टू फाइव माइनस एक्स रेस टू सिक्स एंड नाउ यू आर वी अपलाई द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन विच इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन

अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे सो वी हैव वन बाय सिक्स माइनस वन बाय सेवन इक्वलाइज करते हैं डिनोमिनेटर तो सेवन माइनस सिक्स अपॉन फोर्टी टू सो फाइनली वी हैव आई इज इक्वल टू वन बाय फोर्टी टू सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू